स्टूडेंट टास्क के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है और इस तरीके से करना है ताकि आपका जो है बैक ना लगे। अब ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास समय ही बहुत ही कम बचा है, और ऐसे में अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है ना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ने की एक राइट स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि वास्तव में सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पढ़ते कैसे हैं और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पास होने का तरीका क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, मान लीजिए कि आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, तो अब आप इतने कम दिनों में तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5-5 सब्जेक्ट है आपके पास, तो इन 5 सब्जेक्ट की आपको पास तैयारी करनी है, या किसी में 4 सब्जेक्ट है या किसी में 3 सब्जेक्ट है ना, एटलीस्ट मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो सभी ब्रांचेस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई भी चीज को आप पढ़ना छोड़ दीजिए जो कि आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, है ना। और इसके साथ ही साथ आप जो है सबसे पहले तो आप इम्पोर्टेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। इम्पोर्टेंट में भी आप क्या पढ़ेंगे, तो प्रत्येक चैप्टर से आपके पास जितना भी चैप्टर दिया गया है, सभी चैप्टर से एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चन तो जरूर तैयार करिए, है ना। एक विषय से अगर आप 3 क्वेश्चन जरूर तैयार करते हैं, तो अभी भी अगर आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। अब बात ये आती है कि कई सारे लोग 3-3 क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो क्या ये जरूरी है कि वो पेपर में आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पेपर में आएगा। हर विषय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है ऑलरेडी, आपको यूट्यूब पे ही बता दिया है। बस आपको लिखना है, क्या लिखना है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको अपने नाम, आपको अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नाम डाल करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई पांडे जी टेक्निकल 2.0 लिखेंगे, तब जाकर के आपको ये निकल के आएगा इंपॉर्टेंट। आपको भी पता है कि प्रीवियस सेमेस्टर में, इसकी पिछली सेमेस्टर में हमने इतनी अच्छे से तैयारी कराई थी कि जो हम बता देते थे अगले दिन वो 100% पेपर में आता ही आता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ये बात आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये बात तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वही स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में आए हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे पढ़ाई किए थे। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई बुक वगैरह है, ठीक है, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जो है पूरी तरीके से जो थ्योरी बुक आपकी आती है वो थ्योरी बुक है तभी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे शरण ले लीजिए, चाहे गोल्ड ले लीजिए, चाहे इस तरीके की जो किताबें आती हैं, जो परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें होती हैं, है ना, तो आप उन परीक्षा की तैयारी वाली किताबों को पहले उठाइए और परीक्षा की तैयारी वाली किताबों को लीजिए और लेकर के वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना शुरू करिए। सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आपको करना क्या है कि आपको एटलीस्ट, अगर आपसे प्रीवियस 5 ईयर कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रीवियस 5 ईयर को कवर करना काफी मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि आप मान लीजिए 3 या 4 सब्जेक्ट हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, प्रीवियस 5 ईयर की आप कैसे तैयारी कर पाओगे, है ना। आप अगर देख लोगे तो 5 पेपर अगर आपका है एक सब्जेक्ट में, तो 4 या 5 विषय है, तो 20-22 पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा, इतना संभव ही नहीं है। आप एक काम करिए कि प्रीवियस 5 ईयर में आप ये देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादा रिपीट हुए हैं, और उन रिपीटेड क्वेश्चन को ही आप ज्यादा तैयार करिए। रिपीटेड क्वेश्चन को आप ज्यादा तैयार करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप उसी में वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि बार बार वही प्रश्न आपके रिवाइज होते रहते हैं, तो आप उतनी चीजों को आराम से तैयार करिए, 100% आपकी बैक नहीं लगेगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है, मैं इसको पांडे जी टेक्निकल 2.0 के टेलीग्राम चैनल में भी दे रहा हूं, जिसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कम समय में तैयारी के लिए बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं 88 26 39 60 22 इस नंबर पे, और क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें आपका बैक की भी तैयारी होगी और आपका इसके साथ ही साथ सेमेस्टर एग्जामिनेशन की भी तैयारी होगी। बाकी जितनी क्लासेस है ऑलरेडी आपकी चल रही है यूट्यूब पे, तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से शेयर करते हैं तभी जाकर हम क्लासेस को रेगुलर ले पाते हैं, नहीं तो आपको पता है कि बीच में अगर शेयर वेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने लगते हैं, तो थोड़ा हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाभ ले। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द हम अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।